मेरे पास भी एक ऑक्सीमोरन का मस्त एग्जांपल है। तो बोलता है, हाँ ये बोलता है क्या, बोलता है फेमिनिस्ट मुस्लिम। मैं पहली बार जब सोचा था ना स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का, तो मैं अपने घर में जाके बता दिया मम्मी को, माँ मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने हाँ बोल दिया, उनको लगा ये कोई गवर्नमेंट जॉब है। पेरेंट्स ऑब्सेस्ड विद गवर्नमेंट जॉब। अरे बाप रे, तुम चाहे इन्फोसिस या TCS में टीम लीडर बन जाओ, मैनेजर बन जाओ, कुछ ही नहीं है। गवर्नमेंट जॉब का लेटर जाके दिखा दो ना, ऑर्गेनाइजर आ जाता है उनका, ठीक है। हाँ सच में, यहाँ पे साउथ में ना, साउथ में सिर्फ पेरेंट्स खुश होते हैं, नॉर्थ यूपी बिहार में ना कुछ भी होता है, दुख भी होता है। कुछ इसलिए होते हैं नौकरी मिल गई सरकारी, दुख इसलिए होते हैं कोई भगा के शादी करवा देगा बेटे का, शादी करवा देते हैं ना भगा के उसे। तो कितने लोगों को लगता है मम्मी लोग इनोसेंट होते हैं? हाथ खड़े कर। होते हैं यार, पापा नहीं होते, पता है पापा को आपको सारे कारनामे पता होते हैं आपके आपके करने वाले, पर मम्मी इतनी इनोसेंट है। मैं और मम्मी बालकनी में खड़े थे, तो एक रेड कलर का मिनी कूपर जा रहा था, मैं देख के बोला वाह। तो मम्मी बोलती है स्विफ्ट को देख के इतना खुश क्यों हो रहा है, मिनी कूपर को स्विफ्ट से कंपेयर कर दिया। बोले मम्मी 40 लाख की गाड़ी है। बोलते हैं अच्छा, ये स्विफ्ट नेपाल से आया क्या? और फिर उसके बाद मैं जब कॉमेडियन बनने का सोचा, फिर लैंग्वेज कैसे था, किसमें करूँ, कन्नड़ा में करूँ या हिंदी में करूँ। फिर दोस्त आके प्यार से बोला भाई देख, कन्नड़ा में स्कोप है, अगर तू कन्नड़ा में करेगा तेरा, तू सिर्फ कर्नाटक में परफॉर्म कर सकता है, लेकिन तूने हिंदी में परफॉर्म करना स्टार्ट किया तो ऑल ओवर इंडिया परफॉर्म कर सकता है एक्सेप्ट तमिलनाडु। ऐसे होता है यार। तो कितने लोगों को यहाँ ऑक्सीमोरन का मीनिंग पता है? ऑक्सीमोरन का मीनिंग हाथ नीचे करो, मैं गूगल पे सर्च करके आया, मैं बोलूँगा ठीक है। ऑक्सीमोरन का मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स होता है, अपोजिट वर्ड्स। जैसे कि तुमने स्कूल और कॉलेज में देखा होगा कि एक क्वेश्चन देने के बाद लास्ट में देखते हैं ब्रीफली एक्सप्लेन। ब्रीफली मतलब होता है इन शॉर्ट, एक्सप्लेन मतलब होता है एलैबोरेट। यही दो वर्ड्स कॉन्ट्रडिक्ट हो गया ना। सेम गोज विद हैप्पीली मैरिड, आइदर यू आर हैप्पी और यू आर मैरिड। मैं जो ये जोक यहाँ पे चलता है ठीक है, पाकिस्तान में नहीं चलता। एक कॉमिक एक पाकिस्तान में परफॉर्म कर रहा था, ऑडियंस ऑफेंड हो गए, हंसे भी नहीं, उल्टा एक ऑडियंस उठ के बोलता है भाई हम हैप्पीली मैरिड नहीं, हैप्पीली मैरिड इन टू 4। ये जोक मैंने जब अपने दोस्त को सुनाया ना, बोला भाई क्या यार तू पाकिस्तान की पॉजिटिव साइड्स भी तो दिखाया करना। मैं बोला अबे साले, पाकिस्तान के पॉजिटिव साइड्स दिखाने के लिए ये कोई सलमान भाई का Tiger 3 स्क्रिप्ट थोड़ी ना है। ये जब जोक बता रहा था तो मेरे दोस्त थे मोहम्मद और मनोज, ठीक है, हम तीनों अपने में रोस्ट वोस्ट करते रहते हैं। तो ये मनोज को आइडिया है भाई, मेरे पास भी एक ऑक्सीमोरन का मस्त एग्जांपल है। तो बोलता है हाँ, ये बोलता है क्या, बोलता है फेमिनिस्ट मुस्लिम। तो ये मोहम्मद चुप नहीं रहने वाला था ठीक है, मोहम्मद भी जली थोड़ी। तो बोलता है अबे मेरे को भी एक एग्जांपल आया, पता है क्या? हाँ बोल। आपके गवर्नमेंट के अच्छे दिन, ये ऐसे ही चलते रहता है ठीक है। और इसके बाद इस पे हंसना मत ठीक है। अच्छे दिन स्टैंड अप बनना बहुत मुश्किल है, पता है। रात के मेरे दोस्त रात के 12 बजे हिला के सो जा रहे हैं और मैं ऑक्सीमोरन का मीनिंग सर्च कर रहा हूँ। ऐसे ही चलते रहता है, दोस्त हिला के सो रहे हैं, मैं ऑक्सीमोरन का मीनिंग सर्च कर रहा हूँ। और मेरे को थिंकिंग भी कुछ हो रहता है, पता है, 12 बजे ये सोच रहा हूँ, अरे पहले गुड्डे बिस्किट में पहले जितना कैशियो और आलमंड नहीं आता। इंग्लिश में वो बोला ना, इंग्लिश थोड़ा कन्फ्यूजिंग लैंग्वेज, हाँ होता है ऐसे। फर्स्ट टाइम आई लॉस्ट 50% फेथ इन इंग्लिश वाज़ इन माय 5th स्टैंडर्ड व्हेन माय इंग्लिश टीचर टोल्ड इट्स नॉट ऑनियन इट्स अनियन। मैं जो इतने साल से ऑनियन ही गलत बोल रहा था मैं, एंड रेस्ट 50% लिसनिंग टू शशि थरूर स्पीच। शशि थरूर क्या बंदा है भाई, माँ कसम अंग्रेजी शर्मा जाए उसके इंग्लिश सुन के ठीक है। वंस शशि थरूर स्पेल्ड अ वर्ड रॉन्ग, डिक्शनरी करेक्टेड इटसेल्फ। सच में हाँ, शशि थरूर का फेवरेट प्लेस पता है, वेकेशन प्लेस का है वो, इंग्लैंड जाता है, अपनी स्पीच से उनकी गांड मार के आता है, एंड आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग ही डज अदर देन फ्लर्टिंग विद सुप्रिया सुले इन पार्लियामेंट। प्यार की राह में चलना सीख। इंग्लिश में ना एक वर्ड्स होते हैं जो अपने अपने से मीन करते हैं, हमको थोड़ी चूल रहती है, हम उस पर प्रीफिक्स जोड़ देते हैं। जैसे कि मेरे दोस्त आके बोलते हैं भाई तेरे को याद है हमारे स्कूल में सुरेश करके बंदा था,
उसने सेल्फ सुसाइड कर लिया। अब एक चूती है, सुसाइड ही सेल्फ होता है, उसमें सेल्फ कैसे जुड़ रहे तुम? और इंग्लिश से भी वर्ड पता है क्या है, इंग्लिश में यूज करने वाले स्लैंग्स। आई वाज टेक्स्टिंग दिस गर्ल द अदर डे एंड आई क्रैक्ड अ जोक, आवर रिप्लाई वाज ROFL, रॉफल। मैं बता दूं, मैं डिफेंस बैकग्राउंड से हूं, तो आपको पता होगा इंडियन एयरफोर्स में एक फाइटर जेट है राफेल करके। मैंने रिप्लाई किया, शायद आपने राफेल को गलत स्पेल कर दिया, राफेल के बदले राफोल। 3 साल हो गए मैसेज सेंड करके, अब तक उसका प्रोफाइल फोटो नहीं दिख रहा, शायद ब्लॉक ही हो रहा। और आपके दोस्त हर एक कॉल बैक कर देता हूँ, हो जाएगा। आपके हर दोस्त के ग्रुप में एक बंदा होता है ना, उसके पास हर चीज का सोल्यूशन रहता है उसका, उस और उसका सोल्यूशन एक ही है, भाई हिला के सो जा। यही होता है पता, हिला के सो जा, कुछ भी बोलो प्रॉब्लम, हिला के सो जा। एक बंदा आता है, बोलता है भाई मैं बहुत दिन से दुख हूँ यार, थोड़ा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बोलता है भाई हिला के सो जा। अबे थोड़ी उसका प्रॉब्लम तो सुन ले यार। और उस बंदे का प्रॉब्लम पता है क्या है, कि वो ज्यादा हिलाता है। उसको वही सोल्यूशन दीजिए, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रॉब्लम ही कैसे हो सकता है यार। इस बंदे के साथ मैं रात में एक दिन बारिश में भीग के बाइक से आ रहे थे, मेरे को ड्रॉप कर रहा था, मेरा घर यहाँ था, उसका घर और थोड़ा दूर था, तो यहाँ ड्रॉप किया। ड्रॉप करके पता नहीं, ये हाई होने के बाद ना, दोस्त लोग हाई होने के बाद कितना प्यारा जाता है, गे बन जाते हैं, आधा गे बन जाते हैं, ठीक है। बोलते भाई ध्यान से जाना यार घर, अबे साले यही है मेरा घर, तू ध्यान से जा। बोलता है हाँ चलता हूँ। तो घर जाके मैसेज करना, बोलता है हाँ ठीक है कर दूंगा तू चल। वो चलने लगा, बोलता है भाई आराम से जाना यार। बोला अबे साले तू तो आराम से जा, चल के जा रहा है, बाइक तो लेके जा। और रात को टेक्स्ट करता है कि भाई 12 बज गए हैं, क्या फील हो रहा है, साले बारिश में भीगा हूं, बहुत ठंड लग रहा है, भाई हिला के सो जा। मैं बोला नहीं भाई क्यों, ऑक्सीमोरन का मीनिंग सर्च करना है मेरे को। That's it, thank you so much. Follow me on Facebook.